आज हमारे बीच में बीपीटी न्यूज पर मोगा के हैं भजन सम्राट हर्ष शर्मा जी। हम इनसे बात करते हैं कि उनको ये लगन कैसे लगी, कैसे वो इस मुकाम में पहुंचे हैं कि आज वो माता रानी की कृपा से अपनी भेंटों को जनता तक ऐसे पहुंचा रहे हैं। हर्ष जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आप बीपीटी न्यूज पे आए हैं। सबसे पहले मैं वीपीटी न्यूज और मेरे सारे दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। सभी को जय माता दी। हाँ जी, तो हर्षी, आपको कैसे लगन लगी ये भजन सम्राट में, भजन गाने में आपको कैसे? सर, एक्चुअल में मेरी फैमिली, मैं शर्मा फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर साहब बड़े धार्मिक रुचि रखते हैं, धार्मिक कामों में। उन्हीं से मुझे लगन लगी और आज माता रानी की कृपा से और मोगा शहर निवासियों के प्यार से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, जिस मुकाम पे मुझे लोगों ने और मेरी माता रानी ने पहुंचाया। अभी तक आपकी वो कैसेट्स वगैरह आए हैं? अभी सर एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरा मेरा दिव्या चैनल के ऊपर एक मेरा प्रोजेक्ट की बात हो चुकी है और जल्दी ही मैं कैसेट लेके अपने दर्शकों के सामने माता रानी की कृपा से आऊंगा। कितने भजन आप गा चुके हैं अभी तक? कुछ अभी तक बहुत सारे जागरण में अभी तक मैंने अपना जो काम है जो माता रानी की कृपा से किया है, और 2-3 हजार जागरण माता रानी की कृपा से कर चुका हूं, और बाकी आप लोगों का प्यार और मोगा शहर निवासियों का प्यार है, आगे जैसे जैसे माता रानी आदेश देगी। अगर हम बात करें जागरण की, आपके भजनों की, जी, आप सिर्फ माता की भेंटे गाते हैं या और भी कुछ भजन करते हैं? अभी तो सर फिलहाल मेरा माता रानी के जागरण पे कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मेन मुकाम से भटकूं, इसलिए मेरा मेन टारगेट जो है माता रानी की सेवा करना और उसका आशीर्वाद लेना है। कितना समय हो गया आपको? मेरे को सर 10 साल हो चुके हैं माता रानी का जागरण करते हुए, और वैसे सिंगिंग लाइन में मैं 15 साल हो चुके हैं मुझे, पर जागरण करते हुए मेरे 10 साल हो चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे हर्ष शर्मा जी से, इन्होंने बताया कि वो पिछले 10 सालों से माता रानी की भेंटें गा रहे हैं। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। चढ़ाइया चढ़ के, चढ़ाइया चढ़ के, चढ़ाइया
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੱਲੇਗਾ ਭੋਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਜਗਾਰਾ ਲਾਈਏ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੋਲੇ ਜੈ ਬੋਲੇ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੋਲੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਝੜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਝੜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਨੀ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਭੋਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਭੋਲੇ ਦੀ